नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के मौके पर देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें आनी चाहिए थी, लेकिन शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि किसानों ने दिल्ली की 3 जगहों से आंदोलन और रैली करने की एक अनुमति मांगी थी, जो अनुमति मिलने के बाद जिस तरीके से किसानों ने जो रूप अख्तियार किया वो रूप देश को शर्मसार करता है। आंदोलन में किसान भूल गए कि आंदोलन के बीच और अराजकता के बीच का फर्क क्या होता है, और इस फर्क के भूलने के चलते देश की तमाम जगहों से इस पर बात हो रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली की तमाम जगहों से हिंसा की तस्वीरें आई, किसानों ने बैरिकेड्स पलट दिए, किसानों ने पुलिस के साथ झड़प की और साथ ही साथ पुलिस को भी काउंटर करते हुए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, इसके साथ ही वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लाल किले तक पहुंच गए किसान, इस तरीके की अराजकता लाल किले तक पहुंच गए। कैपिटल हिल की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ये देश में कैपिटल हिल बनाने की साजिश है। प्रद्युम्न, इसको शर्मसार करने का आंकड़ों पर आंका जाए तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल, वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 26 जनवरी का पावन पर्व था, ऐसे में ये कोई पार्टी का नहीं था, ये देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि संविधान तय हुआ था इस दिन और देश चलता है इस दिन से। तो अगर इस दिन पे इस तरीके की तस्वीरें जब निकल के सामने आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके का आंदोलन किया जा रहा था पिछले 60 दिनों से वो बेहतर स्थिति में था, लेकिन आज जो सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से किसानों ने काम किया है, किसान ये नेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो किसान नहीं है, वो हमारे गुट के लोग नहीं है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि इतनी संख्या में फिर आखिरकार वो लोग कैसे आए। राकेश टिकैत इस बात को बार बार कह रहे हैं कि किसी पार्टी के वो लोग हैं, हमारे लोग नहीं है, लेकिन अब ये जांच के बाद पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति सामने आई है, ऐसी स्थिति वहां पर कर दी गई थी कि जब पुलिस बल उनको रोकने का प्रयास कर रही थी तो ट्रैक्टर जो है वो पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, और स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी कि पत्थरबाजी की जा रही है खुलेआम। कितने पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं कि सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक पुलिसकर्मी के ऊपर 6 से 7 ऐसे दंगाई हैं या ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो बुरी तरीके से लाठी डंडों से उनको पीट रही हैं, और पीट रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर गलती से कुछ गई, गलत जगह लग गई, डंडा सिर पे लग गया तो ये मर जाएंगे, वो नहीं सोचा जा रहा है। लेकिन ठीक है, हमारा भारत में ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता भी है कि सबको विरोध करने का हक है, संविधान में हक है, अपना विरोध जताने का हक है, लेकिन विरोध जताने के भी एक नियम कायदे होते हैं, एक तरीका होता है। अगर आप विरोध जताते हैं और इस तरीके से स्थिति कर देते हैं तो वाकई में सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में अब मीटिंगों का जो दौर है, गृह मंत्रालय में लगातार मीटिंग चल रही है, अमित शाह के घर पर मीटिंग हो रही है, उनके आवास पर हो रही है, 1000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट भी बनाई गई है जिनके आधार पर जो लोग इस तरीके के दंगे कर रहे थे, जिनके चेहरे सामने आ गए, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या किसान नेता लेंगे? बिल्कुल, बीते 2 महीने से जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, एक नई इबारत लिखी जा रही थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज होती ऐसी कहानी लिखी जा रही थी, लेकिन किसान आंदोलन के बीच आज जो रैली हुई, रैली में कुछ ऐसा हो गया जिससे देश का मूड बदल चुका है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो जहां जहां हिंसा हुई है उनके चेहरे चिन्हित करने की जो योजना है वो भी बनाना शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग भी बैठाई गई है, मीटिंग में क्या कुछ होता है वो आपको आगे चलकर पता चल ही जाएगा। लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि इस पर कार्रवाई किस पर की जाए। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है, अगर वो भी इस चीज कह देते हैं प्रद्युम्न कि वो किसान नहीं है, इसके साथ ही जो सिंगू बॉर्डर पे जो तमाम जो किसान नेता मौजूद है वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे किसान नहीं है, अगर हर कोई इस तरीके से पल्ला झाड़ लेगा तो ये कैसे पता किया जाए कि वो कौन से किसान है। इसके साथ ही जो आज हुआ है, जो लाल किले पे जिस तरीके से किसानों ने भारतीय झंडे के बगल में अपना खुद का झंडा लगा दिया, ये पहली दफा देश ने देखा है और ये तस्वीरें बहुत शर्मसार करती हैं। इस तरीके की जो जितनी भी चीजें आज आप टीवी स्क्रीन पर तमाम जगहों से देख रहे हैं, जो तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनके साथ भी बदतमीजी की गई, मीडिया के साथ भी बदतमीजी करी गई, तो ये किसान आंदोलन की आड़ में जो ये अराजकता फैलाई जा रही है इससे देश की जो तस्वीर है वो धूमिल होती है, शर्मसार होती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि देश को जो आज गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें देखनी चाहिए थी, उन जाबाज लोगों की रैलियां देखनी चाहिए थी, जो जाबाज लोग हमारे वहां पर परेड कर रहे थे, जो राजपथ पर जो कार्यक्रम हो रहा था वो तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन तस्वीरें कुछ और दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही एक और चीज, जो तमाम किसान नेता जो अभी तक पहले कहते आ रहे थे, किसान नेताओं का कहना था कि अगर जांबाज लोग, जवान लोग जो वहां पर रैली कर सकते हैं, इसके साथ ही तमाम जितने भी बड़े लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं, अगर वो लोग रैली कर सकते हैं तो अन्नदाता जो किसान है वो रैली क्यों नहीं कर सकता, इस तरीके की जब बातें की गई तो उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में दिल्ली पुलिस एक प्रस्तावित रूट बताती है कि आपको इस
इस रूट से जाना होगा दिल्ली में, लेकिन ऐसा नहीं करते। किसान नेता क्या करते हैं कि जो समय सारणी जो तय की जाती है कि 12 बजे तक आपको इस जगह पर पहुंचना है, लेकिन इसके बावजूद किसान नेता उस बात को बेमानी करते हुए उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं, पहले ही कूच करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बाद ही जो रूट बताया गया था, प्रद्युम्न ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इस रूट के थ्रू ही आप जा सकते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि टीकरी बॉर्डर से कहा गया था कि 63 किलोमीटर का जो प्रस्तावित रूट है, जो अलाइंड रूट है, उसी पर आप केवल मार्च कर सकते हैं। इसी के साथ कहा गया था कि टीकरी बॉर्डर पर 62 किलोमीटर का जो एक रूट है उसी पर मार्च कर सकते हैं। सिंगू बॉर्डर पर कहा गया था, और इसी के साथ आपको एक और बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का एक रूट असाइन किया गया था। लेकिन इसके विपरीत किसानों ने क्या किया, किसान नहीं कहूंगा मैं उन्हें, अब तो उपद्रवी कहूंगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट से इतर अलग जाकर अपना रूट बनाने की कोशिश की। जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स को तोड़ दिया, ट्रैक्टर्स को कहीं भी चढ़ाने की कोशिश की। आपको बता दूं कि बसेस जो थी उनको लगाया गया था, रूट्स ब्लॉक की गई थी, लेकिन किसानों ने उन बसेस पर भी जो थी सीधे सीधे ट्रैक्टर्स मार दिए, जिससे कई पुलिसकर्मियों के अभी घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। और अब चिन्हित होगी, कार्रवाई होगी, उसी तरीके का दौर शुरू होगा। आपको बीते साल ले जाता हूं, पिछले साल इसी समय आपको बता दूं कि CNRC को लेकर देश में दंगे हो रहे थे, इसी तरीके की तस्वीरें आ रही थी, और इंटरनेशनल मीडिया ने इसमें खूब अपना लाभ जो एजेंडा था उसको खूब बढ़ चढ़ कर उठाया था, और इस बार भी वही तस्वीरें, इस बार भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरीके से हमारे देश को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जो कुछ आज किसानों ने किया उसको किसान आंदोलन अब नहीं कहा जाता, उसको कथित किसान आंदोलन कह सकते हैं या फिर उसको उपद्रवियों का जमावड़ा कह सकते हैं। लेकिन जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं, लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी भी जो जितनी भी चीजें हैं रुका नहीं है, जो क्रमवश सब कुछ चलता जा रहा है, कड़ी से कड़ियां जुड़ती जा रही है। लेकिन कुछ जगह से ये तस्वीरें आई हैं कि गाजीपुर बॉर्डर के जो किसान है वो लौट कर वापस आ रहे हैं, सिंगू बॉर्डर के किसान जो है लौट कर वापस जा रहे हैं, लेकिन जो कालिक पोत दी है उसको कैसे आप मिटा पाएंगे? वो तो नहीं मिट पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, ऐसे में कई किसान हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को ये दिखाना चाहते थे कि हम दिल्ली के अंदर आना चाहते थे, और वो हमने दिखा दिया। अब तो आप उनकी सोच देखिए, उनकी सोच ये है कि सरकार को कैसे भी करके झुकाना है, क्योंकि ऐसी कई वीडियो वायरल हुई है जहां पर किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को चीज दिखाना चाहते थे कि हम अंदर आ गए दिल्ली के, और अभी तो हम यहां पर रुकेंगे और लाल किला घूमेंगे। ऐसे में जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि लाल किले पर झंडे के नीचे अपना झंडा लगा देना, ये वाकई में दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है, क्योंकि ये भारत तो देख ही रहा है, ये तस्वीरें हैं जो इतनी खराब तस्वीरें हैं, लेकिन ये देश और दुनिया के लोग भी ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे भारत के बारे में कि जिसको अन्नदाता कहा जाता है वो ऐसा अन्नदाता है कि हिंसा, जिस तरीके की हिंसा यहां पर की गई है, इतने लोगों के सिर फोड़ दिए, इतने लोगों को इतनी बुरी तरह पीटा है कि उनको भर्ती कराने की नौबत आ गई है, पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, मजबूरन पुलिस ने ना जाने कितने अनगिनत गैस आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो छोड़े, क्योंकि जो भीड़ हो जाती है उसको तितर बितर करना मजबूरन हो जाता है, अगर तितर बितर नहीं करेंगे तो ऐसे में हावी पड़ जाएंगे वो लोग। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने एक देखी कि आंदोलन चल रहा था, ठीक है, ये हिंसा हुई है, जो इस हिंसा में वो किसान, वो दंगाई, वो प्रदर्शनकारी बीच रोड पर अपने ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों ने देश के दिल यानी दिल्ली को जो जंगी मैदान बना दिया, और इसके साथ ही मैं एक और चीज जोड़ दूं कि दिल्ली का दिल माने आईटीओ पे जिस तरीके से इन लोगों ने जो हरकतें की, जो हिंसा की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन तस्वीरों को जब देखते हैं तो दिल को कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि कल तक इस तरह की बातें हो रही थी कि किसान जो है उसका सिंहासन सड़क नहीं है, उसका सिंहासन उसका खेत है, उसको उसका सिंहासन पर बैठाया जाना चाहिए, और सरकार को अपनी तरफ से कानूनों का आप इतना अलग हटा दीजिए, लेकिन मानवता के आधार पर कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे किसान वापस लौट सके, राजी खुशी वापस अपने घर जा सके। लेकिन आज देश का मूड बदल चुका है, ये बात कहते हुए दुख के साथ इस बात को आगे लफ्ज जो है बयां करने पड़ रहे हैं, लेकिन देश का मूड बदल चुका है। जिस तरीके से किसानों ने जो कुछ आज किया, जिस तरीके से इस प्रदर्शन को वो एक बहुत बड़ी सीख के रूप में भी आगे साबित कर सकते थे, अगर उस रैली को वो लोग प्रस्तावित रास्तों से ले जाते तो ये तस्वीरें बहुत अच्छी होती, ये तस्वीरें देखने में बहुत सुलभ लगती। लेकिन इससे अलग हटकर जो कुछ किया, एक दंगाई रूप जो धारण किया, एक उपद्रव जो किया, उससे किसानों की छवि को धूमिल हुई है। अब वो किसान आंदोलन ना रहकर अब वो उपद्रवियों का जमावड़ा हो गया है। लेकिन जो कुछ हुआ, अब इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है मुंह खोलने का मौका मिल जाता है। जो लोग अभी तक किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं थे उनको मुंह खोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन सवाल वही, जो सवाल बार बार पलट कर सबके सामने आता है कि ऐसे में क्यों ना बात की जाए खालिस्तान की, ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि उस आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, ऐसे में क्यों वो तमाम आरोप ना लगाए जाए जो लगातार विपक्षी पार्टियां जिस चीज का खंडन कर रही है। लेकिन सरकार के जो छोटे नेता, मैं यहां पर जिक्र करूंगा, बड़े नेता नहीं, छोटे नेता जो तमाम जगहों से जो इस बात
बात को बार बार कहते हैं कि आंदोलन की आड़ में लोग अपना एजेंडा भी सेट कर रहे हैं। तो जब ऐसी तस्वीरें हैं, जब ऐसा सब कुछ है, तो ऐसे में क्यों किसान आज अपनी छवि को जिस तरीके से धूमिल करवा बैठे हैं? किसान जिनको आप किसान कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, उनको उपद्रवी कहेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि लाल किला जो देश में, जिसमें 15 अगस्त को प्रधानमंत्री वहां से जाकर तिरंगा फहराता है, पूरे देश को संबोधित करता है, पूरे देश को संदेश देता है, वहां पर किसान जाकर उसकी प्राचीर पर जाकर अपना झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, ये सीधे सीधे एंटी नेशनल की श्रेणी में आता है और इसके तहत किसानों पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, इसमें किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें, अगर प्रद्युम्न आज इन चीजों को अवॉइड या इग्नोर किया गया, तो कल को चलकर यह बड़ा रूप धारण कर लेंगे और इससे देश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उठाने को देखना मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों को, क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी भयावह थी, भयानक थी, क्योंकि भारत का झंडा जो हमारी शान है और लाल किले के ऊपर चढ़कर दो बार उन्होंने झंडे लगाए हैं, इसमें उन लोगों का सहयोग इस तरीके से दिया गया है कि एक बार झंडा नहीं लग पाया था तो जो लोग नीचे खड़े हुए थे वो रस्सी फेंक रहे थे कि भाई झंडा बांधो ऊपर, तो उनकी सोच यहाँ पर साफ तौर पर दर्शा देती है कि उनकी सोच क्या है, वो करना क्या चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें काविंद्र ये भी है कि कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि आप ये सोचिए कि पत्थरबाजी हुई तो पत्थर कहां से आए? दिल्ली की रोडों पर शायद इतने पत्थर तो आपको नहीं मिलेंगे कि जितने पत्थर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाले के ऊपर फेंके हैं, तो पत्थर कहां से आते हैं? ठीक है, आप ट्रैक्टर रैली के लिए आप सबसे पहले घुसते हैं अक्षरधाम में, जो कि आपका रूट नहीं था, उसके बाद आप ITO जाते हैं, फिर आप लाल किले की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ पहले से डिसाइडेड थी कि ऐसे ऐसे आपको करना है, ये करना है, क्योंकि जो चीज़ की गई है अगर उसका आप पूरा मापदंड निकालें, उसको समझें पूरी चीज़ों को, तो ये चीज़ वो दर्शाती है कि पूरी चीज़ पहले से प्री प्लान थी कि ऐसे ऐसे करना है, पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठे करना है, क्योंकि साफ सीधी बात है कि जब किसान घुसेंगे अंदर तो दिल्ली पुलिस उनको रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगी, यहाँ पर लाठीचार्ज भी करेगी, तो उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से आप अभी बता रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसान तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। अब किसान नेता यह बोल रहे हैं कि हमारी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ सरकारी, ऐसे जो सरकार के लोग हैं वो यहां पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आखिरकार ये है तो किसान संगठन के लोग ही ना, क्योंकि जब किसान संगठन इस बात को बोलता है कि हमारे बीच अगर कोई बाहर का आदमी आएगा तो हम सबसे पहले उसको पहचान लेंगे और बाहर निकाल देंगे, तो फिर किसान संगठनों के बीच इतने लोग, सरकारी लोग, जैसे ये बोल रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के लोग हैं जो हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं, तो अंदर कैसे आ गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया यहाँ पे। ऐसे में जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है कि भाई ये किसान नहीं है, ये स्थिति नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को हमारा संविधान दिवस के रूप में देखा जाता है, तो 26 जनवरी को इस काले दिन के रूप में भी देखा जाएगा, जैसी स्थिति इन प्रदर्शनकारियों ने, इन किसानों ने की है। जी बिल्कुल, कुछ चीजों में इफ और बट नहीं होता, वही तस्वीरें आज है, झंडा फहराया गया, देश का झंडा फहराते तो एक बार को वो चीज मानी जा सकती है, लेकिन खुद का झंडा फहराएगा इसमें किसी भी तरह का इफ या बट या किसी भी चीज की जगह या आशंका नहीं हो सकती। लेकिन किसानों ने जो किया वो कर दिया और ये तस्वीरें नोट हो गई हैं, ऑन रिकॉर्ड हो गई हैं। अब ऐसे में किसान आंदोलन का भविष्य क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सबसे बड़ी चोट लगी है। इस आंदोलन को तो मैं कहूंगा कि कॉफिन में जो लास्ट कील कही जाती है वो गाड़ दी गई है, लेकिन इस आंदोलन के चलते जो कुछ हुआ वो हमारा जो नेशनल पर्व था, जो देश के लिए सबसे बड़ा दिन था 26 जनवरी, उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक झटका लगा है। क्योंकि जो तस्वीरें जो दिखनी चाहिए थी, जिसका देश, पूरा देश इंतजार करता है, पूरा देश सोचता है कि आज वो अपने देश के जवानों की परेड देखेगा, वो आज देश के तमाम जगहों की, जो राज्यों से जो झांकियां निकलती हैं उन झांकियों को देखेगा, लेकिन देखने को क्या मिला? देखने को मिली अराजकता, देखने को क्या मिला? देखने को मिली हिंसा, देखने को क्या मिला? देखने को मिले आंसू गैस के गोले। तो 26 जनवरी के दिन भी अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, और ये इस साल ही नहीं है, पिछले साल का भी वाक्य है, तो हर साल, साल दर साल ये जो आंदोलन है, जो पहले शांतिप्रिय ढंग से होते रहते हैं, CNRC के आंदोलन की भी बात कर रहा हूं मैं यहां पर, आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से होते रहते हैं, लेकिन आखिर में जाकर वो जिस तरीके से हिंसा का रूप अख्तियार करते हैं, उससे जो क्षति होती है, जो हानि होती है देश की, जिस तरीके से आज बसों में जो तोड़फोड़ की गई, उसके साथ ही जो सड़कों पर जिस तरीके का जो भी कुछ हुआ है, इससे राजस्व को जो क्षति हुई है, राजस्व को जो नुकसान हुआ है, ऐसे ही कुछ नुकसान पीछे वित्तीय साल भी हुआ था, जहां पर 300 करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हुआ था, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? जिस तरीके से ये जो तमाम जो, और सबसे बड़ी प्रमुख बात जो हमको यहां पर करनी चाहिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, और उधर की ले लेता हूं तो मैं पलवल साइड से,
ये जो तमाम जो यहाँ पर जितनी भी सीमाएं थी, इससे लगे हुए जितनी भी जगह है, वहां के लोगों को जो परेशानी हुई, जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं जिनको जिनका काम ही डेली दिहाड़ी से कमाकर खाना होता है, ऐसे में उन लोगों को कितनी परेशानियां हुई। लोग सुबह से घरों से निकले हैं, शाम तक घर नहीं पहुंच पाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी व्यवस्था की थी, दिल्ली पुलिस ने एक रूट उनको दिया हुआ था कि आप जो कॉमन लोग हैं वो लोग इस रूट से जाएंगे, लेकिन किसानों ने उस रूट पर भी कब्जा कर लिया, किसानों ने आज दिल्ली को ओवरटेक कर लिया, किसानों ने उपद्रव की आड़ में, किसान आज भूल गए कि प्रदर्शन और अराजकता उपद्रव के बीच का फर्क क्या है, उन्होंने सारे रास्तों को हाईजेक कर लिया, उन्होंने सभी जगह दिल्ली की तमाम जगहों को एक तरीके से हाईजेक कर लिया। आज दिल्ली में कोई प्रशासन, कोई शासन, कोई पुलिस नहीं बोल रही, आज दिल्ली में बोल रहे हैं तो सिर्फ किसान, मैं यहां पर तथाकथित किसान जोड़ना चाहूंगा, आज सिर्फ वो बोल रहे हैं, उनका उपद्रव चल रहा है, उनकी लाठी चल रही है, उनका डंडा चल रहा है, उनके हाथों में तलवारें हैं वो चल रही है, आज उनका ट्रैक्टर बोल रहा है। आज यहां पर कानून का राज नहीं है, आज दिल्ली में राज है तो सिर्फ इन तथाकथित किसानों का, जिन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली को हाईजैक कर बंधक बना लिया है। और इसी के साथ जो कुछ वो दिल्ली पुलिस के साथ कर रहे हैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई दिल्ली के कमिश्नर के साथ जो मीटिंग हुई किसान नेताओं की, उसमें इन्होंने साफ कहा था कि जो आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से होगा, लेकिन उन्होंने धोखा किया, उन्होंने वादा खिलाफी की, और जो कुछ आज उन्होंने किया उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब ये किसान आंदोलन जो है अब ये समन्वय रूप से नहीं चल सकता, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन के साथ या कोऑपरेशन के साथ नहीं चल सकता। अब इसमें जब धोखा किसी चीज में आ जाता है, जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, तब वहां पर बहुत नुकसान होता है, और अब ये नुकसान तमाम किसान नेताओं, तमाम किसानों और इस आंदोलन को उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल उठाना तो पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकत की गई है तो हर जो हरकत होती है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो यहाँ पर निकल के सामने आता ही आता है। लेकिन जिस तरीके से आज किया गया है वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लेकिन एक चीज ये भी सोचिए कावेंद्र, कि जिस तरीके से ये इनपुट मिले थे खुफिया एजेंसी को, सुरक्षा बल को, कि ऐसा हो सकता है लाल किले की तरफ ये लोग जा सकते हैं, कूच कर सकते हैं, तो फिर सुरक्षा बल इतना कम क्यों रखा गया, क्यों इतनी पुलिस वहां पर कम रखी गई कि किसान हावी पड़ गए पुलिस बल के ऊपर। पुलिस बल की ये स्थिति हो गई थी कि जहां जहां किसान पहुंच रहा था वहां पर पुलिस बल को खदेड़ा जा रहा था, बल्कि स्थिति ये होनी चाहिए थी कि पुलिस बल को किसानों को खदेड़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर उलट हो गया। तो सवाल यहां पर खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बल के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिरकार क्यों इतनी कम वहां पर संख्या रखी गई, क्यों ऐसी स्थिति रखी गई, पता था कि लाल किला जाने का इनपुट मिला हुआ है तो लाल किले की तरफ क्यों पुलिस नहीं रखी गई। फिलहाल इसकी तो अभी जान चल रही है, ये तो समय बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन जो कालिक पोती गई है वो तो अब नहीं मिट सकती है, वो तो पोती दी है। जब कोई एक कालिक पोत जाती है तो उसको मिटाना फिर नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो सब चीजों के सामने आ गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया कि अन्नदाताओं ने, जैसा कि बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है लेकिन वो किसान है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन कोई ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब वो किसान कहाँ के हैं ये बात कोई कहने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसे में ये चीज़ समझने वाली है कि वहाँ पर जितने भी किसान थे, जिस तरीके की स्थिति उन्होंने बना दी, आप ये सोचिए कि मारने के पर्पज से वो लोग वहां पर आए थे, कि चलिए ठीक है आप दंगा कर रहे हैं उसमें आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लकड़ी का इस्तेमाल जो डंडे हैं उससे नहीं किया गया, वो रॉड का इस्तेमाल कर रहे थे, लोहे की रॉड का, क्योंकि पुलिस वाले जब ही पीछे हट रहे थे क्योंकि पुलिस वालों को ये डर था कि अगर ये रॉड हमारे ऊपर लग गई, कुछ हो गया तो हमारी जान तो निश्चित है वहां पर जाना। तो वो पहले से ही पूरा प्री प्लान था कि ये हथियार की हमको जरूरत पड़ेगी, बस फर्क ये रहा कि NRCCA में गोलियां चली थी लेकिन यहां पर बस गोलियां नहीं चली हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इंटेलिजेंस की भी बात की, LIU की बात की, कि आपको जब पहले से इनपुट मिले हुए थे तो इसके बावजूद वहां पर आगे क्यों नहीं काम हुआ, इसके साथ ही आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय की जो मीटिंग है उसमें बड़ा फैसला लिया गया, 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो हैं वो वहां पर भेजी जाएंगी। ये अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं कि वहां पर 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भेजी जाएंगी। इसी के बीच अभी द्वारा उसी पर आते हैं हम लोग, जो LIU की जो आप बात कर रहे थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की, इनपुट ये मिले थे प्रद्युम्न कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, बाहरी तत्वों का जो है वहां पर आना हो सकता है। तो पुलिस की जो नजर थी बाहर के लोगों पर थी कि कोई बाहर का आकर यहां पर अराजकता ना करे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किसान खुद ही वादा खिलाफी कर जाएंगे। तो जो किसान थे जिनको रूट तय था वो रूट उन्होंने बदला, सबसे पहले रूट बदलने के बाद वो सीधे लाल किला की तरफ बढ़ गए, लाल किला में जो फोर्स थी वहां पर मौजूद थी लेकिन उन्होंने किसानों के साथ किसी भी तरीके का फोर्स का यूज नहीं किया, किसानों को वहां पर काउंटर नहीं किया, किसान जिस तरीके से काम करते रहे उनको करने दिया। लेकिन जब किसान लाल किले के अंदर घुस गए, जब किसान उसकी छतों पर चढ़ गए, किसानों ने जब वहां से झंडे फहराने की कोशिश की, तब पुलिस ने वहां पर बल का प्रयोग किया, तब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, तब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। लेकिन इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो लगातार वही जायज है कि यहां पर राकेश टिकैत ने तो पल्ला झाड़ लिया, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे किसान नहीं है। अब हर कोई ऐसे ही पल्ला झाड़ लेगा तो फिर वो किसान किसके है? बिल्कुल,
जिस तरीके से बीच अगर इस बीच प्रद्युम्न कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो ऐसे में फिर किस पर उंगली उठती, तब तो ये समस्त किसान के जो नेता थे वो भी सामने आ जाते, वो भी कहने लगते कि ये जो कुछ भी किया हुआ है वो सरकार का किया है, तब ये किसान उन्हीं के किसान हो जाते। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यहां पर गलती उन्हीं के लोगों ने की है तो ऐसे में सब पल्ला झाड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया है कि अगर किसानों को कुछ हो जाता तो सबसे पहले यही कहा जाता कि हमारे किसान थे और पुलिस बल ने और सरकार ने इनको मरवा दिया, लेकिन जब किसान ऐसी स्थिति पैदा कर चुके हैं तो कोई भी ये चीज मान नहीं रहा है कि ये हमारे किसान है। आप ये सोचिए, मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि राकेश टिकैत ने पहले भी बोला था और अन्य किसान नेता ने पहले भी ये चीज बोली थी कि हमारे बीच में कोई अराजक तत्व नहीं आता, हमको एक एक शख्स की पहचान है। तो फिर अब वो इससे क्यों पलट रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक लोग हैं ये, उनके पार्टी के लोग हैं, वो ऐसा कुछ करवा रहे हैं, तो फिर आखिरकार इतनी संख्या में लोग अंदर आ कैसे गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल तो अब यही है कि अब जान चल रही है, हाई लेवल मीटिंग, जो मीटिंग का दौर है वो भी यहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब ये समय बताएगा कि इतने बड़े ड्रामा, इतना बड़ा दंगल, इतना बड़ा अराजक तत्वों द्वारा किया गया आज घटना पर, अब सरकार क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, इसी बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक रिलीज जारी किया है, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि अभी भी आईटीओ पर जो उपद्रवी किसान है उनका कब्जा है, और ऐसे में जवानों को कड़ा संदेश दिया गया। जवानों को संदेश देते हुए कमिश्नर ने कहा है कि बिल्कुल भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, इनका सख्ताई के साथ मुकाबला करें और पीछे ना हटे, इनको हटाना आपकी जिम्मेदारी है। जवानों को सीधा संदेश दिया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने। तो बिल्कुल, फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। नगरपालिका फर्रुखाबाद की ओर से समस्त नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा समय से बाहर फेंकें, नालियों में गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, COVID-19 का पालन करें, नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें। नगर पंचायत शमशाबाद की ओर से समस्त वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और अपील करता है कि नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखें, कूड़ा समय से बाहर फेंकें, नालियों में गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, COVID-19 का पालन करें, नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें।